कांगड़ा हवाई अड्डे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वालामुखी में कही। उन्होंने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इसे राजनीति की दृष्टि से न देखा जाए और इसमें सभी सहयोग करें, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ कनेक्टिविटी कम है। अगर हवाई अड्डा बनता है तो विकास तेज गति से होगा और कांगड़ा, चंबा, मुख्यतः धर्मशाला को इसका काफी फायदा होगा। सीएम ने कहा कि हवाई अड्डा बनाने में जिन लोगों की जमीन जाएगी उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी में पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री को प्रशासन की तरफ से माता का सिरोपा, चुनरी और तस्वीर भेंट की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली बार गोरख बिंदु में भी दर्शन किए और उसमें कोई कमी ना छूटे। कांगड़ा एयरपोर्ट के सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, हमने तो सहयोग मांगा है उसमें, क्योंकि ये आवश्यकता प्रदेश की है और इस बात को हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों की जमीन उसमें जाएगी उनको उचित मुआवजा और रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी मदद सरकार की ओर से की जाएगी उसमें कोई कमी नहीं छूटेंगे। राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए, यही मेरा आग्रह है और अगर मैं इस बात को लेकर के सभी से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के कारण कनेक्टिविटी हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ पर है। कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो तो हम विकास को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, जो ये हमारा इस तरफ का जो हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा है, इस एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाला है। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते हमारा ये रीजन डेवलप हो रहा है और एयरपोर्ट बनता है तो मैं समझता हूँ कि उससे बहुत तेज गति से जो है हम पर्यटन के क्षेत्र में इस इलाके को, पूरे कांगड़ा जिला को, चंबा जिला को, इसमें धर्मशाला महत्वपूर्ण हमारा केंद्र पड़ता है, डलहौजी महत्वपूर्ण केंद्र पड़ता है, इसको डेवलप करने की दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने सहयोग के लिए अपील की है कि सब लोग बैठें, चर्चा करें और चर्चा करते हिमाचल दस्तक ब्लैक टीवी के लिए ज्वालामुखी से अरुणा शर्मा की रिपोर्ट।